दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि सहारा रिफंडेबल पोर्टल से किस तरीके से आप अपना सहारा पोर्टल से फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन करके अपना 45 दिन के अंदर अंदर इसका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऑनलाइन करने के लिए इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे इस पेज पर आप आ जाएंगे। आने के बाद तो पहली बात तो आपको यहाँ पे जमाकर्ता पंजीकरण पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपसे मांगे जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ फिल करने के लिए कहा जाएगा, और OTP प्राप्त पे क्लिक करेंगे। जैसे OTP प्राप्त पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका कम्प्लीट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद अगेन आपको यहां पे जमाकर्ता लॉगिन पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट फिल करना है। आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर अटैच है उसको फिल करना है। OTP प्राप्त पे क्लिक करना है। OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा। OTP सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे। जैसे OTP सत्यापित पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आधार डाटा का उपयोग करने के बाद आपकी सहमति के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे स्वीकार किया गया है, तो उसके बाद यहाँ पे अगला पे क्लिक करेंगे। अगला पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आधार नंबर फुल कंप्लीट फिल करने के लिए बोला जाएगा, और OTP प्रॉपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद अगेन आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर अटैच है उस पर OTP आएगा। OTP यहाँ फिल कर देंगे। OTP अगेन भेज दिया गया है। OTP हम डाल लेते हैं। OTP सत्यापित करें पे क्लिक करेंगे। OTP सत्यापित पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे फ्रेश डाटा होके आ जाएगा। आपका कंप्लीट जो भी नाम होगा यहाँ से होगा, डेट ऑफ बर्थ से होगा, और आपका यहाँ पे फादर नेम से होगा, और यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक लिंक है यहाँ से होगा। इसी बैंक में आपका पेमेंट आपका सेंड किया जाएगा। अगेन आप दोस्तों इसमें बता दें कि आप किसी अदर बैंक को अगर लेना चाहते हैं पेमेंट को, तो यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये आपका फिक्स है, जिस भी बैंक का यहाँ शो होगा उसी बैंक का आपको इसी बैंक में आपका पेमेंट आएगा। तो उसके बाद अगला पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास सोसाइटी का नाम लिखना है, जिस भी कंपनी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म को, जिस भी कंपनी में आपका पेमेंट आपने डाला हुआ था वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सदस्य संख्या मेंबर नंबर लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है। आपके रसीद पे रसीद संख्या दी जाती है, रसीद संख्या लिखेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नंबर या पासबुक नंबर यहाँ पे फिल करना है। पासबुक प्रमाण पत्र संख्या तभी दी जाती है जब आपका फिक्स डिपॉजिट होता है, और अगर पासबुक नंबर तब जाएगा जब आपका डेली बेस पे आपका खाता होगा। तो अपने आपके जो भी पासबुक होगा या आपके बैंक फिक्स डिपॉजिट में, दोनों में दिया होता है। फिर उसके बाद डेट ओपनिंग देनी है, और फिर उसके बाद योगदान की जो भी राशि है आपके योगदान की राशि लिखेंगे, और उसके बाद आपको 200 KB के कम के अंदर का वहाँ पे JPG फॉर्मेट में आपको फाइल अपलोड कर देना है। तो चलिए हम ये अपलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बता दें अपना सर्टिफिकेट नंबर सदस्य संख्या लिख चुके हैं, और इसके बाद अकाउंट नंबर लिखा है, फिर उसके बाद रसीद संख्या लिखेंगे, प्रमाण पत्र पासबुक सर्टिफिकेट आपका नंबर क्लियर हो तो लिखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डेट ओपनिंग लिखेंगे, और योगदान की जो राशि वो लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्राउज करके अपना यहाँ पे 200 JPG फॉर्मेट में अपलोड कर लेंगे। उसके बाद दावा जोड़े पे क्लिक करेंगे। जैसे दावा जोड़ों पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका जो भी सोसाइटी नेम और सदस्य संख्या आपकी शो हो जाती है। फिर उसके बाद अगला पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अगला पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद दावा अनुरोध प्राप्त जनरेट रसीद पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, इस रसीद जो जनरेट होगी उसको क्या करना है, प्रिंट आउट कर लेना है। तो चलिए हम इसे प्रिंट आउट कर लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे, A4 साइज में इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, आपको प्रिंट करा लेना है, और A4 साइज पे इस वजह ही इसे प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोटो चिपकाएंगे और करा सिग्नेचर करेंगे। आपका यहाँ पे बैंक का नाम ऑटोमेटिक शो होगा, आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको यहाँ पे एक बार अपने डिटेल को चेक और वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आपको लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, और फिर इस दस्तावेज को क्या करेंगे, अगेन स्कैन करके आपको PDF फॉर्मेट में दावा
इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगला पे क्लिक करना है। जैसे अगला पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये भी जो अब जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिया था इसको यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड करें पे क्लिक करना है। दोस्तों हमने A4 साइज में स्कैन कर लिया था और वहाँ पर 200 DPI का अपलोड भी कर लिया था। ऐसे अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे आवेदन संख्या मिल जाती है। बताया गया है कि 3 अगस्त को प्राप्त हो गई है, SMS के अकॉर्डिंग आपको यह भेज दी गई है। तो आपको क्या करना है, इसे प्रिंट आउट कर लेना है और आपको 45 दिन का वेट करना है। 45 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में आपका जो भी सहारा रिफंडेबल पेमेंट है आपके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।